गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। फर्स्टली ओपन योर मैथ्स बुक टू पेज नंबर 100। बच्चों, हम लास्ट होमवर्क में पेज नंबर 98 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पेज नंबर 100 में जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेट मेंशन करनी है 5 सितंबर। आफ्टर देन क्वेश्चन सोल्व करनी है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 824, इसको मल्टीपल करना है आपको 3 से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं। आप क्या करेंगे, वही वंस में सबसे पहले आपको टेबल रीड करना है। 3 4 जा कितने होते हैं, 3 4 जा 12 होते हैं। तो 12 को क्या करेंगे, अलग लिख लेंगे, ठीक है। टेंस वंस, तो ये वंस प्लेस पर जो क्या है 2 है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और जो आपका टेंस प्लेस पर है उसको हम नेक्स्ट प्लेस यानी कि टेंस प्लेस पर कैरी करेंगे। अब आप 3 का टेबल 2 टाइम्स रीड करेंगे, यानी कि 3 2 जा 6, 6 में आप 1 को ऐड करेंगे, ये आपका बनता है 7। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका 3 का टेबल 8 टाइम्स, 3 8 जा 24, सो आपको ये 24 लिख देना है, क्योंकि इसके आगे कोई और डिजिट नहीं है, सो आपको यहाँ पर कैरी नहीं करना है। जो आपका 24 आया है आप उसको एज इट इज़ लिखेंगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, 425, इसको करना है आपको 2 से मल्टीपल। 2 5 जा होते हैं आपके 10, 10 के लिखेंगे आप 0, और 1 करेंगे आप नेक्स्ट प्लेस पर कैरी। फिर आप 2 का टेबल 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 में आप क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, यानी कि 4 और 1 5 हो जाते हैं आपके। अब नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट प्लेस इज 100 प्लेस पर आपका जो है वो 4 लिखा हुआ है। आपको 2 का टेबल 4 टाइम्स रीड करना है। 2 4 जा, हाउ मैनी 2 4 जा, 2 4 जा 8, सो योर आंसर इज 850। ओके स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, 334 मल्टीपल 3, 3 4 जा, आप क्या करेंगे, 3 का टेबल 4 टाइम्स, वंस प्लेस पर आपको रीड करना है। देखो, वंस टेंस हंड्रेड प्लेसिंग कर लेनी है। आप 3 का टेबल 4 टाइम्स रीड करेंगे, 3 4 जा 12, ठीक है, यानी कि 12 को वही अलग से लिख के देखना है। आप जो राइट हैंड की साइड डिजिट है वो आप यहाँ पर राइट करेंगे, और जो लेफ्ट हैंड की साइड यानी कि टेंस प्लेस पर है वो आप टेंस प्लेस पर कैरी करेंगे। अब आप क्या करेंगे, 3 का टेबल 3 टाइम्स रीड करेंगे, यानी कि 3 3 जा 9। अब कैरी है ना, इसमें आप टेबल रीड करने के बाद ये ज़रूर देखेंगे इस प्लेस पर कैरी है या नहीं, अगर कैरी है तो उसको भी उसमें ऐड करना है। जैसे कि 3 का टेबल 3 टाइम्स, 3 3 जा होते हैं 9, 9 में आप क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, बिकॉज यहाँ पर कैरी है। 9 और 1 आपके कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। आप 10 में से 0 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 फिर नेक्स्ट प्लेस पर फिर से 1 कैरी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो 3 का टेबल 3 टाइम्स, आपको दोबारा 3 टाइम्स करना है, क्योंकि 100 प्लेस पर भी आपका 3 है। 3 3 जा होते हैं आपके 9, और यहाँ पर कैरी भी है, देखो 100 प्लेस पर कैरी है, सो आप 9 में 1 को जब ऐड करेंगे देन आंसर इज़ 10, ठीक है। योर कंप्लीट आंसर इज़ 1002। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, 762 आपको मल्टीपल करनी है 4 से, सो आप 4 में 4 का टेबल 2 टाइम्स क्या करेंगे, रीड करेंगे। 4 2 जा, हाउ मैनी 4 2 जा, 4 2 जा 8। नेक्स्ट प्लेस इज 10, 10 प्लेस पर आपकी कौन सी डिजिट है, 6, सो आप 4 का टेबल 6 टाइम रीड करेंगे। 4 6 जा होते हैं आपके 24, 24 में 4 को आप यहाँ पर लिखेंगे और 2 आपका हो जाता है नेक्स्ट डिजिट पर कैरी। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि 100 प्लेस पर, अब आपके 100 प्लेस पर कौन सी डिजिट है, 7, ठीक है। आपको 4 का टेबल 7 टाइम्स क्या करना है, रीड करना है। 4 7 जा होते हैं आपके 28, ठीक है, 4 7 जा 28। अब 28 देखो 100 प्लेस पर कैरी है या नहीं, हाँ है, कितने हैं 2, सो आप 28 में 2 को ऐड करेंगे देन आंसर
30 के 30 को आप यहाँ पर राइट करेंगे. योर कंप्लीट आंसर इज 3048. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. फाइव हंड्रेड एट्टी थ्री, इसमें आपको 3 से क्या करना है, मल्टीपल करना है. 3 का टेबल 3 टाइम्स, वंस प्लेस पर क्या डिजिट है, 3 है. सो आप 3 का टेबल 3 टाइम्स रीड करेंगे. 3 जो होते हैं आपके 9. अब आप देखो कैरी तो कुछ नहीं है ना, ठीक है. सो आप 9 को राइट करेंगे. नेक्स्ट डिजिट इज़ 8, बिकॉज टेंस प्लेस पर आपकी 8 है. सो आप 8 टाइम्स इसको टेबल को जो है रीड करेंगे, यानी कि 3 8 जो होते हैं आपके 24 का 4 आप यहाँ पर राइट करेंगे. एंड जो आपके 2 है वो आप नेक्स्ट डिजिट पर कैरी करेंगे, नेक्स्ट प्लेस पर, ठीक है. नेक्स्ट प्लेस आपका 100 है, सो वहाँ पर आपका 2 कैरी हो जाता है. अब आपका आता है कि आप 3 का टेबल 5 टाइम्स रीड करेंगे. आपका 100 प्लेस पर कौन सी डिजिट है, 5. सो आप 5 टाइम्स 3 का टेबल रीड करेंगे. 3 5 जो होते हैं आपके 15, और 100 प्लेस पर हमारे 2 कैरी भी है. सो आपको क्या करना है, 15 को 2 में ऐड कर देना है. देन आंसर इज 1749. ओके स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6. 760 मल्टीपल करना है 5 से. अब बेटा एक चीज़ देखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर हम किसी भी डिजिट से 0 का मल्टीपल करते हैं देन आंसर 0, ठीक है. देखिए यहाँ पर वंस प्लेस पर 0 है, आपको 5 का टेबल 0 टाइम, यानी कि 5 को 0 से मल्टीपल करना है. जब हम किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीपल करते हैं देन आंसर आपका 0 आता है. सो आप यहाँ पर 0 लिख देंगे. अब आप जाएंगे नेक्स्ट डिजिट पर, नेक्स्ट प्लेस पर कौन सी डिजिट है, 6. सो आप 5 का टेबल 6 टाइम क्या करेंगे, रीड करेंगे. 5 6 जो आपके कितने होते हैं, 30 होते हैं. 30 के जो वंस प्लेस पर 0 है सो आप यहाँ पर 0 राइट करेंगे. और आपके टेंस प्लेस पर 3 है सो आप 100 प्लेस पर 3 को कैरी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, देखो जिस प्लेस से हमें कैरी बचता है वो हम नेक्स्ट प्लेस पर ही कैरी करते हैं, ठीक है. चलिए अब आपका आता है 100 प्लेस. 100 प्लेस पर आपकी डिजिट है 7. आपको 5 का टेबल 7 टाइम्स क्या करना है, रीड करना है. 5 7 जो होते हैं 35. अब आपके कैरी कितने हैं, 3. सो आप 3 को 35 में ऐड करना है. ओके स्टूडेंट्स, 35 में आप 3 ऐड करेंगे देन आपका जो आंसर आता है वो आता है 38. योर कंप्लीट आंसर इज 3800. ओके स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल द फॉलोइंग. ये भी बेटा आपके जो है मल्टीपल के क्वेश्चन हैं. और देखो ये वंस टेंस हंड्रेड तक इसकी प्लेसिंग है, ठीक है. सो आपको ऐसे ही करने हैं, बट इसमें थोड़ा चेंजेस है. क्या है, इसमें मोस्टली आपको 0 वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं. मैं इसका एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे. ओके चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज 708 को आप करना है 5 से मल्टीपल. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं वंस प्लेस पर क्या डिजिट है आपकी, 8 है. सो आप 5 का टेबल 8 टाइम्स रीड करेंगे. 5 8 जो होते हैं आपके 40, ठीक है. अब वंस प्लेस पर है आपका 0, सो आप 0 लिखेंगे. और आपका टेंस प्लेस पर है 4, सो आप 4 को नेक्स्ट प्लेस यानी कि टेंस प्लेस पर ही क्या करेंगे, कैरी करेंगे. अब आप देखते हैं कि टेंस प्लेस पर जो आपके डिजिट है वो क्या है, 0 है. और आपको टेबल कौन सा रीड करने हैं, 5, यानी कि 5 की मल्टीपल आपको 0 से करनी है. एज आई टोल्ड यू दैट, मैंने आपको बताया था कि अगर 0 से हम किसी भी डिजिट को मल्टीपल करते हैं देन आंसर आपका 0 आता है. सो हम 5 की 0 से मल्टीपल करेंगे देन आंसर इज 0. बट यहाँ पर आपका 4 है और 4 को हमें ऐड करना है. जब हम 4 में 0 ऐड करेंगे देन आंसर 4 प्लस 0 देन आंसर इज 4. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप 0 नहीं लिखेंगे, उसमें 4 को आपको ऐड भी करना है बिकॉज यहाँ पर कैरी है. ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है. वीडियो में अच्छे से समझने के बाद ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. आफ्टर देन आपको अपने क्वेश्चन जो है उसके आंसर मैच करने हैं. चलिए नेक्स्ट प्लेस पर, 100 प्लेस पर आपका है 7 डिजिट. या आपके
आपका जो नंबर है वो है 7 और आपका जो जिसे आप मल्टीपल कर रहे हैं वो है आपका 5। ठीक है, 5 7 जो होते हैं आपके 35। देखो यहाँ पर कोई कैरी नहीं था, आपको जो 4 में 0 ऐड की थी आपने 4 लिखा था, सो कैरी नहीं है, आप डायरेक्ट 35 ही राइट करेंगे। योर कंप्लीट आंसर इज 3540। स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ आए होंगे। आपको ये जो वीडियो है अच्छे से ध्यान से देख कर उसके बाद ही अपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आफ्टर दैन क्वेश्चन के आंसर जो है वो मैच करने हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।